हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आगरा फोर्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट आई हैव विजिटेड आफ्टर आमेर फोर्ट जयपुर. सो दिस इज टिकट काउंटर विच इज ऑफ 45 रुपीज़ एंड हेयर वी आर हैविंग मेन गेट बेसिकली एंट्री ऑफ फोर्ट. आगरा फोर्ट बेसिकली रेड मार्बल से बना हुआ है एंड इस फोर्ट को बनाने में मुगल्स के 4 जनरेशंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड इट टुक अबाउट 95 ईयर्स टू कंप्लीट दिस फोर्ट. अकबर ने इसे 2.5 किलोमीटर रेडियस में बनाया एंड बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था. फर्स्ट पार्ट विच इज 75% ऑक्यूपाइड बाय द आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट एंड सेकेंड पार्ट जो 25% था वो रॉयल फैमिलीज के लिए था. एक कुआं है दीवाने आम के लिए जो बेसिकली पीपल आते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, उनके पानी पीने के लिए ये कुआं यहाँ पे बनाया गया था. एंड दिस इज दीवाने आम जहाँ पे ये सभा लगती थी. एंड इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें जितने भी पिलर्स हैं ये पिलर्स सामने से देखने में एक दूसरे को कवर करते हैं और अंदर का जो व्यू है वो पूरा क्लियर नज़र आता है. एंड यहाँ ऊपर में किंग राजा बैठा करते थे एंड नीचे उनके मंत्री. Now we are moving ahead towards garden and यहाँ पे 4 gardens थे जिसमें अंगूर की खेती होती थी. These red stones are 6 feet downward in the earth and वहाँ से अंगूर की बीज को डालकर ये अंगूर की complete खेती करते थे. This is सोमनाथ गेट जो कि गजनी के द्वारा निकाल लिया गया था एंड इसे फिर वापस लाकर यहाँ पे रखा गया था. सो इट्स पैक्ड इन ग्लास रूम. दिस इज द बाउंड्री ऑफ फोर्ट जहाँ पे 3 तरह की सिक्योरिटी होती थी, लायंस की, एलिगेटर्स की एंड देन सोल्जर्स की. दिस इज द ब्यूटीफुल गुलाब जल फाउंटेन. सो जब भी कोई गेस्ट आते थे तो एक बड़ा सा टैंक में गुलाब जल फील होता था एंड वो पाइप के थ्रू इस फाउंटेन से बाहर आता था. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रूम ऑफ अकबर एंड इस रूम की खासियत ये है कि इसमें सारे पेंट गोल्ड के किए गए थे. मीन्स ओरिजिनल गोल्ड को पिघलाकर इन्होंने पेंट बनाकर इस रूम में पेंटिंग की थी. बट जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने आग के थ्रू सारे गोल्ड को पिघलाए और वो ले गए. बट स्टिल अभी भी कुछ पार्ट्स है जहाँ पे ओरिजिनल गोल्ड शो होता है. शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, रोशनारा एंड जहानारा. एंड शाहजहाँ ने उन दोनों के लिए कमरे बनवाए थे जो कि कंप्लीट डोली के शेप पे था और एंड उसके ऊपर सोने की चादर लगी थी. बट ब्रिटिश ने वो गोल्ड सारा निकाल कर और उसके ऊपर एक नॉर्मल मेटल शीट डाल दिया. यह मीना मस्जिद जहाँ पे शाहजहाँ नमाज पढ़ा करते थे. एंड दिस इज दीवाने खास जहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होते थे और डिसीजंस लिए जाते थे. एंड दिस इज द सिटिंग प्लेस ऑफ किंग जो कि बेल्जियम से मंगाया गया था. एंड दिस इज नगीना मस्जिद जहाँ पे फीमेल्स नमाज पढ़ा करती थी एंड इट इज कंप्लीट ऑफ वाइट मार्बल्स. अकबर ने अपने बेटे सलीम को एक AC रूम गिफ्ट किया था एंड दिस इज वन जो कि 2 वॉल्स
से मिलके बना हुआ है, बीच में कैप है ताकि रूम ठंडा रह सके। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टू रंग महल, जहाँ पे हर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। एंड बेसिकली ये रेड स्टोन से बनाया गया था, जहाँ पे जहांगीर अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड मुजरा वगैरह यहीं पे बैठ के वो इन्जॉय करते थे। एंड दिस इज जहांगीर बाथ टब, जो उसके मामा ने गिफ्ट किया था। एंड इसकी स्पेशलिटी यह है कि ये एक पत्थर से बना हुआ है, जिसमें 6 स्टेप्स है, 3 आउटर साइड, 3 इनर साइड। एंड वी हैव केम आउट एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ फोर्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।